जिस घर में पर्दे खुलते ही नहीं हैं, जब बंद किया दिन हो रात हो, मैंने मुंबई में बहुत समय तक प्रवास किया है, करीब 2.5 वर्ष रहा एक साथ मुंबई में, तो मैंने देखा कि मुंबई के सोसाइटियों में ऐसे घर हैं जो 365 दिन में कभी भी पर्दे नहीं हटते। एक बार फिट कर दिया तो ऐसा फिट किया है उस पर्दे को कि वो पर्दा लगा ही रहता है। ध्यान रखना कि इसमें शनि का निवास है, तो कैसे एक्टिवेट करें हमारे पुण्य को, कि दिन हो तो तुरंत स्क्रीन खोल दें, रात हो तो बंद करें। ऐसे खोल बंद करोगे और उन पर्दों को समय पर शुद्ध धो के व्यवस्थित रखोगे तो ये पुण्य शनि बन के आप पर समृद्धि देना शुरू करेंगे, वरना पाप शनि बन के परेशान करेंगे। विंडो स्क्रीन पर ध्यान देने जैसा है कि वो एक्टिवेट होता रहे स्क्रीन। मैंने देखा मैक्सिमम घरों में दिन में भी उनको, अरे बाहर की खिड़की खोलूँ, थोड़ा सूर्य का उजाला आए, थोड़ी रोशनी आए, थोड़ा हवा आए। नथिंग, हमको तो पड़ा है तो पड़ा, अंधेरे में ही बैठे रहते हैं। मैं इंदौर में बुक्स खरीदने के लिए घर में गया था, घर में ही बुक सेंटर रखा था, पूरा घर अंधेरा घोर, और शाम के 8 बजे के टाइम वो घर वाले मुझे देखते हैं, आपको हम बहुत देखते हैं टीवी में, संस्कार चैनल में 10:30 बजे जो आपका प्रवचन आता है, यूट्यूब में हर बार देखते हैं, आपका पैर हमारे घर में पड़ गया, हम धन्य हो गए, घर में शांति नहीं है, कुछ आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा कि अंधेरा शनि है और आप 100 रुपये का करंट बचाने के चक्कर में घर के किसी भी कोने को अंधेरे में रखते हो तो आप अनजाने में शनि को वहाँ निवास देते हो। घर को हरदम उजाले में रखिए ताकि उजाला है सूर्य। उजाला क्या है? सूर्य। जब सूर्य का प्रभाव घर पर पड़ेगा 1000 बीमारियों का इलाज मिलेगा जीवन। आपको लगता है कि ग्रह कहीं आकाश में है, हमको क्या है, ग्रह आकाश में भी है, आपके शरीर में भी है, घर के चीजों में भी है और घर के दिशाओं में भी है। इतना समझ के उसको संभालना, थोड़ा विवेक आ गया तो हम उसी शनि से कृपा प्राप्त करना शुरू न कर दे महाराज। जय गुरुदेव। कैसे कृपा प्राप्त करें? तो ये विंडो स्क्रीन समय पर धुलना चाहिए, नंबर 1। क्या? और सुबह होते ही खिड़की खुलनी चाहिए, स्क्रीन हट जाए खिड़की खुल जाए, रोशनी अंदर आते ही ये राम से का पिक्चर आता ना, भूत पिक्चर, हो राम से कौन है डायरेक्टर? नहीं वो नहीं, एक भूत पिक्चर निकालता है, वो हर पिक्चर में क्या है, रात भर वे पिचाचियों बहुत परेशान कर रहे हैं और हीरो हीरोइन बहुत परेशान, बाकी सब मर गए, पूरा टीम मर गया, अब हीरो हीरोइन, क्योंकि पिक्चर में लास्ट में बचते कौन है, हीरो हीरोइन, वही दो ही बचे हैं, और अब भूत इनका गला दबाने आता है। जब तक सूर्योदय हो जाता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, वो भूत जलने लगता है, चिल्लाने लगता है, मर जाता है, हीरो हीरोइन बच जाते हैं। हीरो हीरोइन अपनी बुद्धि से और बल से नहीं बच रहे हैं, सूर्य रोशनी से भूत मरने से बच रहे हैं। ये है सूर्य की शक्ति महाराज, ये सूर्य की अनन्य शक्ति है महाराज। हाँ, अब देखिए ये बेटा उधर बाहर सिक्योरिटी होगा, एक जन उसको बुला के लाओ। एक जन बुला के लाओ सिक्योरिटी को। देखो इसलिए पर्दे को खोलना बंद करना चाहिए और शुद्ध भी रखना चाहिए। अब रसोई के कूड़ेदान में आज हमने सब्जी छीला, छिलके उसमें डाला, हमने कोई भी काटा, धनिया गिनिया भिंडी बांडी उसके सब नोक हैं, नीचे के जड़ हैं, सब काटा, बराबर जैसे ही सब पूरा हुआ शाम होने के पहले बाहर हो जाना चाहिए। अगर ये कचरा रसोई के कूड़ेदान में रात में रुकता है तो उस घर में पति से अनबन या बच्चे कहना नहीं मानना, ऐसे 100 प्रकार के रोग आएंगे महाराज। ये रसोई के कूड़ेदान में शनि रहते हैं, पूरा सावधान रहना,
कचरा जमना नहीं, जितना कचरा जमता जाएगा शनि का प्रभाव इतना आपके घर में आता जाएगा। यहां का सिक्योरिटी कहां गया रे बेटा, कहां गया, आया तो भेजना, तू कहां से आया अभी, भोमिया जी से, वो आते ही भेज यहां मेरे पास। चलो अब किसी भी कूड़ेदान में कचरा भर भर के रखते हैं, कई कूड़ेदान ऐसे होते हैं 4 फुट नजदीक जाना भी मुश्किल है, कई दिनों का कचरे पर कचरा पड़ पड़ के इतनी गंदगी आ रही है, यानी शनि देव के कोप का भागी बन रहा है वो घर। किनके कोप का, शनि देव के। और मैंने कहा कि बाथरूम का नाला, संडास का नाला, कई घरों में इसका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होता है, वहाँ एक कोने में जाके गंदा मेला पीला हुआ हुआ एक स्थान होता है, वो वहाँ पानी रुका रहता है, वहाँ नज़दीक जाएं तो बदबू बजे। और कई लोगों का मैं कहता हूँ कि 30 साल पहले जो लेटरिन में ढूंगा धोने के लिए जो जोतला रखा वो आज तक 30 साल से वही है, उसमें ऐसा एक चीकना सा गंदगी लगा हुआ है कि शनि हरदम खुश होता है कि मेरे को इनके घर में रहने में मज़ा आता है, इनको परेशान करो, इनको दरिद्र करो। इन जोतलों को अच्छे से निर्मा पाउडर सर्फ डाल के एकदम बकेटों को, आप बोलो बहनों अपने बाथरूम के जोतले मग बकेट को हर हफ्ते धोने वाली कौन है, मैं मानू ही नहीं, ये झूठ है, झूठी है। मैं हर घर देखा हूं उन्हें, हर बात में हाथ उठा लेते हो, जैसे आप ही सब करते हो, जैसे करते हो। वो अपना जो 2 नंबर जाते हैं ना, वो जोतला धुलना, हाँ मैं 1 नंबर नाने का नहीं बोल रहा हूँ, 2nd नंबर वाला मैंने घर घर में देखा है, 2nd नंबर वाला ऐसे क्यों हाथ लगाते ही ऐसे चिपता है जैसे 1947 में गांधी जी पाकिस्तान का बंटवारा किए ना, आज के दिन ही ऐसे टाइम में उसी दिन इनको ये जोतला भी पकड़ाया हो, उस टाइम का ये जोतला है। हाँ ये कभी नहीं धोते कोई भी, इसको बराबर अच्छे से सर्प वाशिंग पाउडर डाल के क्या करना, धोना है गुरुदेव। कब दो, ये धोओगे तो दरिद्र जिन जिन चीजों में बदबू आ रही है, जिन जिन चीजों का हाथ लगता है चिपता है, चिपता कब है जब गंदगी लगती है उसमें, इन सब को साफ रखोगे आप सुखी रहोगे। मेरे को तो कहना धर्म है कि मेरे बच्चे भारत के ही नहीं विश्व भर के सभी बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे सुखी हो जाएं, मैं सुख का इलाज बता रहा हूं, आप दुख का आमंत्रण कर रहे हो, और अगर मेरा इलाज करोगे तो दुख भागेगा न सुख दौड़ा आएगा आपके जीवन में, ये बताना मेरा धर्म है।